केरल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना का बढ़ता ग्राफ अब देश की चिंता बढ़ाने लगा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो केरल में कोरोना संक्रमण के 30,203 नए मामले सामने आए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 41,965 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 460 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,28,10,845 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 3,78,181 एक्टिव केस जबकि 3,19,93,644 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,39,020 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 63,09,17,927 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 73,85,866 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।